एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, वीडियो है सैटरडे मॉर्निंग की और सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे। उठने के बाद मैंने सारी साफ़ सफाई जो है ना वो कर ली थी, और इतने हस्बैंड बच्चे जो है ना वो सोए हुए थे, तो बस इनके सोते सोते ना मैंने सारी साफ़ सफाइयाँ जो कर ली थी। और उठने के बाद ये रहता है कि जब तक ये लोग सोए रहते हैं ना, तब तक खाने पीने का जो काम है वो तो होता नहीं है, तो बस साफ़ सफाई के काम ही रह जाते हैं। तो सुबह सुबह मैं वही कर ले रही हूँ आजकल। तो उठ के एक बार तो मैं छत पे गई थी पहले, क्योंकि रात के टाइम ना बारिश हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मौसम काफ़ी अच्छा था छत पे। मतलब काफ़ी मतलब अंदर अंदर तो ऐसा होता है ना कि आजकल बरसातों के दिनों में बारिश होती है तो अंदर अंदर तो उमस ही बन जाती है, लेकिन बाहर जो होता है ना वो सही लगता है थोड़ा घर के बाहर। तो इसलिए छत पे मैं चली गई थी। काफ़ी देर टहलने के बाद फिर मैं आई थी नीचे और फिर कर ली थी सारे घर की साफ़ सफाइयाँ। और साफ़ सफ़ाई करने के बाद फिर मैं नहा ली थी, क्योंकि पूरे घर की साफ़ सफ़ाई करने के बाद तो इतनी गर्मी लग जाती है ना तेज़, कि बस मन करता है कि बस अब नहा लो और बाकी का काम जो है ना वो बाद में। तो नहाने के बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, इतने सब लोग उठ गए थे, हमने चाय वगैरह पी और फिर मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे सुबह के। इतनी जल्दी वैसे बच्चे उठते नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन इनको ना गाँव का थोड़ा मतलब ये ना रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था, वहाँ पे ये जल्दी सो जाते थे और जल्दी उठ जाते थे। तो फिर इस करके ना आज भी सुबह मतलब इनकी जल्दी ही आँख खुल गई। एक दिन पहले तो इतनी जल्दी उठे नहीं थे, क्योंकि सफ़र से आए हुए थे तो थके हुए थे तो फिर सोए थे, लेकिन अब जो है ना टाइम से सो जा रहे और टाइम से उठ जा रहे, तो गाँव जाने का एक फ़ायदा तो हुआ है। अब कितने दिन तक हुआ है ये पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर से इनकी आदतें जो है ना वो ख़राब होने वाली हैं। क्योंकि यही रहता है कि यहाँ पे जो सोने उठने बैठने का जो टाइम है ना वो थोड़ा लेट से ही है, लेट से ही सोते हैं। मतलब 9, 9:30 तो लास्ट है, 10 तो लास्ट है, 10 बजे तक सोते हैं। और गांव का ये कि 8 बजे बस खाना खा लेते थे और 8:30, 9 बजे तक ये सो जाते थे, और सुबह ये 6:30, 7 बजे उठ भी जाते थे। नहाने के बाद ही मैं आ गई हूँ किचन में और लग गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। इतने मैंने इन सबको भेज दिया था नहाने के लिए, बारी बारी से ये लोग भी नहा लेंगे और यहाँ मेरा नाश्ता हो जाएगा तैयार। तो मैं बना रही थी सिंपल परांठे और भिंडी की सब्जी मैं बना रही हूँ, साथ ही मैं बना रही थी रायता। और जब भी भिंडी की सब्जी बनती है ना तो रायता ज़रूर बनता है। रायते की बिना भिंडी की सब्जी कोई भी नहीं खाता है और अच्छी भी नहीं लगती है, सूखी सूखी सी, तो इसलिए रायता मैं बना रही हूँ। भिंडी की सब्जी तो मैंने बना ली है। तो सुबह सुबह काम करके 8:30 बजे तक मैं फ्री हो जा रही हूँ ना, तो फिर ये रह रहा है कि अब गर्मी में फिर काम नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि अभी जो गर्मियों के दिन होते हैं ना, जो मई जून के जो होते हैं, वो गर्मी तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, चलो कूलर के आगे आ जाते हैं, ठंड लगने लग जाती है। लेकिन ये जो बरसातों वाली किचकिच सी गर्मी ये बड़ी होती है ना, बेकार गर्मी होती है, ये मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी, बाहर से हवा नहीं आने, कुछ नहीं, बस उमस उमस ही बनी रहनी, तो ये बड़ा बेकार सा मौसम मुझे लगता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना फटाफट सुबह सुबह ही काम करके मैं अपने फ्री होके बैठ जाऊँ, तो चलो ये तो नहीं रहेगा कि किचन में जाके मुझे गर्मी सहन करनी पड़ेगी या कुछ, इसलिए सारे काम से 8:30 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। तो देखिए, भिंडी तो बना ली है, अब मैं बना रही हूँ रायता। तो रायते में मैंने डाल लिया है बारीक कट करके प्याज, और साथ ही कद्दूकस कर लिया था खीरा थोड़ा सा, जितना कि मैंने आपको दिखाया है आधे से भी कम, और साथ ही डालूंगी एक हरी मिर्च। साथ ही गांव से जो मैं नमक पीस के लेके आई थी ना वो मैंने डाला है, तो उसका सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है रायते में, काफ़ी अच्छा रायता लगता है उस वाले नमक को डाल के। रायता ही क्या, मतलब सैलड के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए, रायता भी बन गया है, अब मैं लगा लूँगी परांठे, और बस ये लोग भी नहा ही लिए हैं, अब फटाफट से परांठे लग जाएंगे, तो मतलब लास्ट 9 बजे तक ना मैं फ्री हो जाऊँगी, और मतलब किचन के सारे कामों से तो फ्री हो जाऊंगी। लेकिन एक दिन पहले जो मैंने कपड़े धोए थे ना, उनको मेरे को फोल्ड करके रखना है, और काफ़ी सारे वो कपड़े हैं जो मैंने बेड पे रख रखे हैं, उतार के रात को ही मैं छत से उतार के लेके आए, तो बेड पे मैंने रख दिए थे, तो उनको बस मेरे को फोल्ड करना है, तो वो आराम का काम है, बैठ के अपने आराम से कर लूँगी। उस काम में ये है कि चलो फ़ैन चला लूँगी तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी, किचन के कामों से थोड़ा छुटकारा सा मिल जाएगा। तो और आज की जो साफ़ सफाई के काम थे ना वो तो इतने ज़्यादा थे कि छत से लेके नीचे तक मैंने सारा झाड़ू पोछा वगैरह जो है ना सब किया है, और इसलिए भी कुछ किया है क्योंकि अब आंधी वगैरह जो है ना वो नहीं चल रही, तो धूल मिट्टी इतनी नहीं आ रही है बारिश की वजह से, वगैरह सारी साफ़ कर दी है ना, तो 3-4 दिन तक तो मतलब ही नहीं बनता कि वो गंदी हो जाएंगी, साफ़ ही रहेंगी बिल्कुल। और इन वाले दिनों का यही थोड़ा सा फ़ायदा रहता है कि चलो धूल मिट्टी नहीं आती है बारिश की वजह से, लेकिन ये है कि कीचड़ कीचड़ सा जो है ना वो पूरे में हो जाता है, बाहर जाते हैं तो वही गद्दी चप्पल से ऊपर तक आना, तो बस वो वाला कीचड़ जो है ना वो ज़्यादातर रहता है, बाकी धूल मिट्टी से तो छुटकारा है।
तो अब मैं बना रही हूँ परांठे क्या, बस सिंपल सी रोटी बना रही हूँ, ऊपर से घी लगा दे रही हूँ। गर्मियों में तो बस ऐसे ही काम हो जाए ना, तो वही सही रहता है। और किचन से निकलने की तो मेरे को इतनी जल्दी रहती है कि बस जल्दी जल्दी से काम करो और किचन से निकलो, किचन में ही हालत ख़राब होती है, बाकी तो चलो देखा जाता है काम। और ये देखिए बाहर का बिल्कुल नज़ारा ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है, हरा हरा सा यहाँ से भी। बाहर हो रही है बारिश, और बारिश होने के बावजूद भी ना मौसम इतना ख़राब है, मतलब गर्मी इतनी है कि बहुत ही ज़्यादा है, उमस उमस ही बन गई है अंदर अंदर। तो घर के बाहर तो थोड़ा सही भी लग रहा है, लेकिन घर के अंदर ना काफ़ी उमस ही हो गई है, बारिश होने का भी कोई फ़ायदा लग नहीं रहा। और एक दो दिन से तो मौसम थोड़ा ठीक भी लग रहा था, लेकिन अब तो ज़्यादा ही गर्मी उमस ही बन गई है। तो सुबह के जो भी काम थे ना वो तो उठते के साथ ही मैंने कर लिए थे, उसके बाद मैं नहा ली थी और फिर जैसे कि नाश्ता भी मैंने बना ही लिया है, सबको खिला दिया है। अब ये चले गए अपने काम पे और बच्चे बाहर टीवी वगैरह देख रहे हैं और मैं भी फ्री हूँ, बस अभी थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और फिर करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि दोपहर को खाना खाने ही आ जाएंगी कहीं काम से गए हैं। तो फिर वैसे तो लंच मैंने बनाना नहीं था, लेकिन ये कि जब दोपहर को आ जाएंगे ना ये भी खाना खाने, तो फिर रोटी सब्जी खाने का ना मन नहीं करता सुबह की। वैसे तो सुबह की भिंडी वगैरह रख रखी है मैंने, लेकिन फिर उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा, तो फिर अभी दाल चावल ही मैं बनाऊँगी। तो चलिए कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट मैं, क्योंकि सुबह से उठ के लगी पड़ी हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो इसके बाद लंच वगैरह मैंने बनाया था, ये भी आ गए थे, लंच वगैरह हमने किया, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी। और ये जो मैंने आपको कपड़े बताए थे ना, जो मैंने पिछले कल ही धोए थे इतने सारे ढेरों कपड़े, फिर इसके बाद मैंने इन कपड़ों को कर लिया था, साथ ही बना ली थी शाम की चाय भी। तो बस चाय पीते पीते के साथ ही ये कपड़े वगैरह जो है ना ये भी मैंने फोल्ड कर लिए थे। बच्चों को मैंने भेज दिया था थोड़ी देर के लिए छत पर खेलने के लिए, पूरा दिन ये भी अंदर ही रहते हैं ना, तो बस अंदर रह रह के ना टीवी और फोन ही चलाते हैं, थोड़ी देर बस पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए वो छत पे चले गए हैं। और हम भी बस चाय वगैरह पी के और कपड़े वगैरह फोल्ड करके फिर हम भी थोड़ी देर जाएंगे छत पे। और इसी के साथ करूँगी मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।